How to make chicken achari masala handy. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ और आज थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। ना तो इसमें आपको टमाटरों की ज़रूरत है और ना ही कोई प्याज, और ये सारे मसाले हैं जो अचारी मसाले हैं और होल स्पाइसेस हैं इसमें। तो इन सबको हमने ग्राइंडर में बारीक ग्राइंड नहीं करना, इसको मोटा मोटा आपने कूट के डालना है। कूटने के दौरान आपने एक कलौंजी बीच में मिक्स नहीं करनी, बाकी सारे मसाले आप मोटे मोटे कूट सकते हैं। अदरक लहसुन को भी आपने मोटा मोटा कूटना है, और लेमन है इसमें 2 से 3 लेमन, और ये 1 से 1.5 किलो चिकन है, और ये दही है जिसके साथ हम उसको मैरिनेट करेंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट कर लें और या फिर 1 घंटे का टाइम भी आप उसको दे सकते हैं। तो ये बोल में हम दही डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हमने लेमन डाल देना है, इससे ये कि जो हमारा चिकन है वो अच्छा जूसी बनेगा। तो ये मैंने लेमन डाल दिया इसके अंदर, और ये जो हमने मसाले और अदरक लहसुन है ये सब इसमें हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स करके आपने इसमें चिकन को अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। ये आपने पहले मसाले मिक्स करने दही के साथ, और अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मैंने तो इसको ओवरनाइट मैंने किया था, तो आप चाहें तो बस 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन का टाइम दें। तो ये मैंने इसमें थोड़ी सी रेड चिली डाली है, ये चिकन डाल दिया इसके साथ। तो अब आप ये इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से, और इसमें क्योंकि टमाटर वगैरह नहीं हमने डालने, तो इसको बस आप मैरिनेशन करके, बस मैंने इसमें थोड़ी सी ज़रा थिकनेस की ज़रूरत, क्योंकि प्याज नहीं हम इसमें ऐड कर रहे। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, जिससे ये हमारे चिकन में अच्छी सी ग्रेवी आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आपने प्याज नहीं डाले हैं। दही के साथ और ये बेसन के साथ इतना मज़े का इसका मसाला बनेगा। तो ये अब मैंने इसमें बेसन भून के, सर अब बेसन का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, तो आपने ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देना है। तो क्योंकि दही के साथ मिक्स किया हुआ है, तो इसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको हम हल्की आंच पे जो है वो बनाएंगे, ताकि इस पानी के साथ ही चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी। तो जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और चिकन हमारी अच्छी सी गल जाएगी, तो हमारा ये जो चिकन की नई रेसिपी है, तो चिकन मसाला हांडी, तो ये हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये अब इसका पानी ड्राई हो रहा है, तो जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो फिर मैं इसमें ज़रा एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, मेथी डालूंगी इसमें और ग्रीन चिली इसके साथ भी दम में डालेंगे। फिर हम इसको थोड़ा पानी है ये ड्राई हो जाए, तो अब ये मैंने इसमें ग्रीन चिलीज डाल दी हैं, हरा धनिया और मेथी डाल दी थी। तो अब ये हमारी मज़ेदार तैयार हो गई रेसिपी। अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Kitchen Cuisine.